हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आप सबको मैं महाभारत की एक छोटी सी कथा बताना चाहता हूँ। इसे महाभारत तो आप सबने देखी ही होगी। महाभारत में एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जब आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, अर्थात आपके भक्तों को कैसे मालूम होगा कि अब आप अपनी कृपा अपने भक्तों पर कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मैं अपने भक्तों पर अपनी कृपा करता हूँ ना, तो सबसे पहला लक्षण होता है मैं उससे धन खींच लेता हूँ, उसके पास पैसा नहीं रहने देता हूँ। फिर भी यदि वो मेरा नाम लेना ना छोड़े, फिर उसकी इज्जत खींच लेता हूँ। जहाँ भी जाता है बेइज्जत होता है, लोग गाली निकालते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। फिर भी यदि वो मेरा नाम लेना ना छोड़े एक बार, फिर जिस भी काम को वो हार डालता है, जिस भी कार्य को हार डालता है, वो कार्य सफल होने वाला होता है, उस कार्य के बहुत नज़दीक होता है, उस कार्य को अधूरा रहने देता हूँ, पूरा नहीं होने देता हूँ। फिर भी पार्थ, यदि वो मेरा नाम लेना ना छोड़े, फिर उसे मैं अपने सीने से लगाता हूँ, अपने चरणों में रखता हूँ। तो ये बात मैं आप सबको इसलिए, ये कहानी, ये कथा इसलिए आपको बताई है कि जब आपके जीवन में इस तरह का बदलाव आना शुरू हो जाए कि धन पास में नहीं रहा, लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, उसके बाद जिस भी कार्य को हाथ डाल रहे हैं वो कार्य अधूरा रह रहा है, तो समझ लीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा आप पर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कृपा करना शुरू कर दी है, बस उनकी परीक्षाओं से असफल ना होइएगा, उसको उनकी परीक्षाओं से निकल दे जाइएगा, ताकि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं और इतना प्रेम करें, अत्यंत प्रेम करें उस प्रभु से, ताकि भगवान भी मजबूर हो जाए आपके चौखट में, आपके दिल में आने के लिए। जय श्री कृष्ण।